स्वागत है आप लोग का दोस्तों अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल भी बजा लें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलिए आगे शुरू करते हैं। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शावर मिक्सर थ्री वाटर कैसे बनाते हैं, थ्री वाटर मिक्सर शावर का कैसे बनाते हैं। ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, एक साइड तैयार है और एक साइड वैसे मिक्सर बना के रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे बनेगा। और ये आपको फिगर में मैं दिखाया हुआ हूँ कहाँ पे कितने इंच का नैप लगेगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, तो चलिए आगे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो में देखिए, ये देख सकते हैं आप नीचे फीमेल टी लगा हुआ है और ऊपर नैप लगा के मेल सागट कैंसील्ड, उसके ऊपर फिर ये मेल सागट है, ये मेल सागट है, बीच में कैंसील्ड लग गया, ऊपर नेपल एल्बो, उसके ऊपर एक क्रोस्ट, यहाँ तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, इससे नीचे आ रहा है एक मेल सागट है, कैंसील्ड मेल सागट, फिर फीमेल टी लगी हुई है। उसके बाद इसके राइट हाथ देखें, एल्बो मेल सागट, उसके बाद ये फीमेल टी, और ये तीनों इकट्ठे होके ऊपर जा रहे हैं और ये बनाए हुए हैं पॉइंट सावर का। सावर है यहाँ लगेगा, ये नीचे आ गया। चलिए तो मैं आपका इसका मेजरमेंट के हिसाब बता दूँ कितना गैप किस में रखते हैं। नेपल को मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए इसमें 7 इंची का गैप चाहिए, 7 इंची, वही 17 सेंटी हो गया ये 7 इंची गैप, दोनों में बराबर चाहिए दोस्तों। और कैंसील्ड और टी के बीच जो गैप है वो चाहिए हमको 8 इंची, सेंटी के हिसाब से बात करें तो 20 सेंटी हो गया। दूसरे में भी इतना ही चाहिए 8 इंची 20 सेंटी, इसमें भी इतना ही चाहिए दोस्तों, ये तीनों बराबर है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो कैंसील्ड के आपस में गैप है वो भी 7 इंची, जितना नीचे टैप के लिए जगह रखे हैं। ये नेपल आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ 4.5 इंची, ये भी इतना ही रहेगा, ये भी 4.5 इंची रहेगा। और उसके बाद ये है, तो ये मैं आपको फोटो में दिखाया था 2.5 इंची। ठीक है दोस्तों, 7 सेंटी मतलब बन गया, सेंटी के हिसाब से बात करें तो। और ये 5.5 इंची मतलब 14 सेंटी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप 14 सेंटी है। और ये सावर है, हम इसका हाइट रखे 7.5 फुट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने पीस लगाए हैं पाइप का, वो है 31 इंच मतलब 31 इंच है। ठीक है दोस्तों, और नीचे से इस टैप का हाइट जो है वो रखते हैं हम 42 इंच, 42 इंच रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका तैयार पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कैंसील्ड अंदर आ चुका है, ऊपर सब काम कंप्लीट है। अब इसको रेडी कैसे करना है, तैयार कैसे करना है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कैंसील्ड का रॉडी सिर्फ बाहर है, बाकी सब अंदर आ चुका है। ये उसके ऊपर पहले कैप लगाते हैं, जो रॉड सा होता है थोड़ा लंबा, बीच में खाली होता है, इसको रॉड ही बोलते हैं। कैंसील्ड का अपर पार्ट आता है, इसमें तीन चीज़ें होते हैं, एक ये रॉड लग गया, उसके बाद ये देख सकते हैं आप तैयार हो चुका है, मतलब ये तीन हैंडल ऊपर सावर का है और नीचे 3 टैप लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये ऊपर सावर लगा हुआ है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए देख सकते हैं आप। बाकी ये सब बाथरूम में है, फिटिंग वाई वाशिंग मशीन है, मेन काम तो हमारा वो ही था। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं, और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।